इंदौर से अपनी पत्नी व बेटे को मिलने के लिए एक्टिवा से अपने ससुराल भोपाल जा रहे युवक को मधुमेह चुराए गन्ने का डर अंधगति से जा रही आयसर वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसे गंभीर घायल अवस्था में ऑटो रिक्शा से जो है जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। बताया गया है कि दुर्घटना के बाद करीब 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी, जिसके चलते उसे ऑटो रिक्शा से अस्पताल लेकर आए थे। डॉक्टरों ने बताया कि मृतक का कल सुबह पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मामले को लेकर औद्योगिक थाना पुलिस ने आयसर वाहन जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार इंदौर से अपनी पत्नी व 2 वर्षीय बेटे से मिलने भोपाल के लिए अपने ससुराल एक्टिवा वाहन से दीक्षांत पिता दिलीप परछया उम्र 25 वर्ष निवासी 60 फीट रोड 299 साहिब बाबा नगर जा रहे थे। रात करीब 9:30 बजे के दरमियान औद्योगिक क्षेत्र के समीप मधुमिलन चौराहे से टाटा चौराहे के बीच आयसर वाहन अंधगति से जा रही थी। उसके वाहन चालक ने दीक्षांत को जोरदार टक्कर मार दी, जिस पर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन 1/2 घंटे तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची थी, जिस पर उसे घायल अवस्था में ऑटो रिक्शा से जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी जिला चिकित्सालय पहुंचे। बताया गया कि दीक्षांत घर में एक लौता था, जिसकी 3 वर्ष पूर्व ही शादी भोपाल हुई थी। उसका 2 वर्षीय एक बेटा भी है। परिजनों ने बताया कि मृतक किराना दुकान महुनाका चौराहे पर संचालित करते हैं। फिलहाल मामले को लेकर औद्योगिक थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर आयसर वाहन को जब्त कर लिया है। डॉक्टरों ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम सुबह होगा, जिसके बाद परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया है। हम लोग घर की ओर जा रहे थे, तब हमें दिखा कि एक अज्ञात व्यक्ति को टक्कर आयसर ने मार दी है, जिसको हम तुरंत लेकर हॉस्पिटल आए हुए। ये मधुबिलन और टाटा चौराहे के बीच में घटना है। हमने एम्बुलेंस को भी तत्काल सूचना दी, लेकिन एम्बुलेंस आई नहीं। एम्बुलेंस न आने के कारण आज एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, और ये शासन प्रशासन की सरासर गलती है, और मैं पूरा दोष शासन प्रशासन को देता हूँ। हम ऑटो रिक्शा से लेकर आए हैं, नाम इनका आधार कार्ड में दीक्षांत नाम है, और इंदौर के व्यक्ति। मेरे को फोन आया था थाने पे से, हाँ? मैं यहाँ पे आया, बोले कि उनका एक्सीडेंट हो गया है कल परसों का, ये इंदौर में रहता है, मधुमेह चौराहे का बता रहे हैं। अच्छा, ये एक्टिवा से जुपिटर से थे। अच्छा। वो आयसर का बताया, वो उनकी रिपोर्ट सब हो गई आयसर उसी का। अच्छा। इंदौर में द्वारकापुरी में रहता हूँ। एक एक्सीडेंट का केस अपने पास अज्ञात व्यक्ति उठा कर लेकर आया था, उसको जिसका नाम है दीक्षांत पिता दिलीप, जो 25 साल के आसपास का लड़का है। ये इंदौर का रहने वाला है, साईं बाबा नगर का। इसका एक्सीडेंट हुआ था अपने टाटा चौराहे के पास में, उसके बाद में यहाँ लेकर आया तो अपन ने चेक किया, तो चेक करने में पता चला कि वो पहले से मृत था। साईं बाबा नगर, इंदौर। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।